हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1000 क्वेश्चन की सीरीज का यह हमारा दूसरा पार्ट है जो हम आप तक लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आपके एमपीपीएससी के पेपर के पहले हम ये 1000 क्वेश्चन आप तक लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको वीडियो बहुत गौर से देखना चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चंस के बताते हैं तो वो भी आपको जरूर याद रखने हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन के आपसे पूछा जा सकता है। तो चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही ऑप्शन है छठा। मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में छठवां स्थान है। वहीं दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही ऑप्शन है 7.2 करोड़, यानी 7.2 करोड़ जनसंख्या मध्य प्रदेश की थी 2011 की जनगणना अनुसार। जैसा कि अब दोस्तों आपको पता है, जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। अगली जो जनगणना है वह 2021 में की जाएगी। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें, जो पहली बार जनगणना हुई थी वह 1872 में कराई गई थी, और उस टाइम पे जो वायसराय थे उनका नाम था अर्ल मेयो। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो इसका सही ऑप्शन है विदिशा। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित हैं। अब दोस्तों, बात आई है विदिशा की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको विदिशा के बारे में बता दें। दोस्तों, प्राचीन काल में विदिशा को वेशनगर या भेलसा के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चने की फसल का उत्पादन विदिशा जिले में ही किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, ग्यारसपुर जो प्राचीन पुरातात्विक स्थल है, यह विदिशा जिले में ही स्थित है। सम्राट अशोक सागर परियोजना भी विदिशा जिले में ही बनाई जा रही है। जैन तीर्थ का शीतलनाथ की जन्म स्थली भी विदिशा ही है। तो दोस्तों, इतना आपको विदिशा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का किस राज्य को पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है केरल। भारत के केरल राज्य को देश का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। अब दोस्तों, बात आई है केरल की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको केरल के बारे में बता दें। दोस्तों, जो केरल की राजधानी है वह तिरुवनंतपुरम है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। केरल में लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा सीटें हैं 9। तो इतना आपको केरल के बारे में याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक निर्भरता किस साधन पर है? तो इसका सही ऑप्शन है ताप विद्युत पर। मध्य प्रदेश में ताप विद्युत पर निर्भरता सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क स्थित है। अब दोस्तों, बात आई है इंदौर की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको इंदौर जिले के बारे में बता दें। दोस्तों, वैसे इंदौर एक संभाग भी है। इंदौर को मध्य प्रदेश की राजधानी, आर्थिक राजधानी के नाम से और मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला इंदौर में स्थापित की गई है। सर्वाधिक जनसंख्या और वृद्धि वाला जिला इंदौर ही है। इंदौर देश का एकमात्र शहर है जहां IIM और IIT दोनों स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी इंदौर में ही स्थापित किया गया है। दोस्तों, इंदौर में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग की स्थापना भी इंदौर में ही की गई है। दोस्तों, ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन बनके पूछा जा सकता है। जैसा कि आपसे पूछ लें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहां पर स्थित है, जिसका सही ऑप्शन होगा इंदौर। मध्य प्रदेश वित्त आयोग कहां है, जिसका भी सही ऑप्शन इंदौर होगा। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहां पर है, तो ये भी इंदौर में ही स्थित है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI कहां स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है बड़ोदरा। बड़ोदरा में NRTI यानी राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान स्थित है।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है, बड़ौदा गुजरात का एक शहर है। संक्रामक रोग और बाहरी हमलावरों से शरीर की रक्षा कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ल्यूकोराइट्स। ल्यूकोराइट्स हमारी शरीर की सुरक्षा करते हैं बाहरी आक्रमणों से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ल्यूकोराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है चीन। भारत ने चीन के साथ मिलकर पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब दोस्तों बात आई है चीन की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट चीन के बारे में बता दें। दोस्तों चीन का जो नेशनल एंथम है वह मार्च ऑफ द वैलेंटियर्स है, और चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के जो राष्ट्रपति हैं वह है सी जिनपिंग, और चीन की जो करेंसी है वह है रेन मिन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अकेडमी पुरस्कार किस देश में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में यह ऑस्कर अवार्ड आयोजित किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें 2019 में ऑस्कर के लिए फिल्म चुनी गई है वह है ग्रीन बुक है। दोस्तों अब बात आई है यूएसए की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट यूएसए के बारे में बता दें। दोस्तों यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन, और यूएसए का एंथम है द स्टार बैनर। दोस्तों यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं वह हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यूएसए की जो करेंसी है वह है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सीमा शुल्क संगठन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र उपाध्यक्ष किस देश को बनाया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भारत। हमारे देश भारत को विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है जैसे आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है। उसमें एक ऑप्शन होगा राष्ट्रपति जी, एक ऑप्शन होगा उपराष्ट्रपति जी, एक ऑप्शन होगा हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय, और लास्ट ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री। तो इनमें से जो सबसे सही ऑप्शन होगा वह है सर्वोच्च न्यायालय। अब दोस्तों बात आई है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की, तो आपको इसके बारे में बता दें सर्वोच्च न्यायालय की एस्टेब्लिशमेंट यानी इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में की गई थी, और इसका मोटो है यति धर्म स्थते जयः। ये मोटो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 395 अनुच्छेद। दोस्तों संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे जब संविधान बना गया था दोस्तों, लेकिन अगर बात करें वर्तमान की तो मध्य प्रदेश, तो दोस्तों जो वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वह हैं 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो आपको ये इंपोर्टेंट फैक्ट आप याद रखना है, आपको लिख दें 448 जो अनुच्छेद हैं वह वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नृत्य शैली सबसे पुरानी है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भरतनाट्यम। यहाँ पर भारत नहीं भरत है दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य शैली सबसे पुरानी शैली है। आपको बता दें जो भरतनाट्यम शैली है यह तमिलनाडु राज्य का एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुई गैस का फॉर्मूला क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है CH3CNNCO। दोस्तों स्लिप ऑफ टंग हो रही है, CH3NCO यह भोपाल जो गैस कांड हुआ था इसमें लीक हुई गैस का फॉर्मूला है। वैसे तो इसका जो इसका नाम है वह मिथाइल आइसोसाइनेट है, और इसका फॉर्मूला होता है CH3NCO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है जबलपुर। जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। अब दोस्तों बात आई है जबलपुर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जबलपुर के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जबलपुर को जाना जाता है। जबलपुर में रूपनाथ में अशोक की एक लघु शिलालेख स्थित है। राज्य का पहला दोस्तों रानी दुर्गावती समाधि भी यही जबलपुर में ही बनाई गई है। भारत का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र भी जबलपुर जिले में ही बनाया गया है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी जबलपुर में ही स्थित है।
दोस्तों थनसेला का सशस्त्र स्कूल जबलपुर में ही स्थित है, तो इतना फैक्ट आपको जबलपुर के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल, और जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कमलनाथ जी। रानी अवंतीबाई किस वर्ष शहीद हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है 1857 में। रानी अवंतीबाई 1857 में शहीद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन कब शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1905 में। 1905 में मध्य प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सबसे पहले किस राजा के दरबार में थे? तो इसका सही ऑप्शन है राजा रामचंद्र। दोस्तों तानसेन राजा रामचंद्र के दरबार में थे, बाद में ये अकबर के दरबार में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहाँ दिल्ली दरवाजा स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है मांडू। मांडू में दिल्ली दरवाजा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार मालवा का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों अवंतिका। अवंतिका जिसे हम अभी मालवा शहरों के नाम से जानते हैं, और दोस्तों जैसा कि आपको पता है मालवा इंदौर संभाग के क्षेत्रों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में विंध्य प्रदेश की राजधानी कौन सा जिला था? तो इसका सही ऑप्शन है रीवा। रीवा प्राचीन काल में विंध्य प्रदेश की राजधानी था। अब दोस्तों बात आई है रीवा की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको रीवा के बारे में बता दें। सफेद शेरों की भूमि रीवा जिले को कहा जाता है। रीवा में सुपारी के खिलौने बनते हैं। दोस्तों राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन यहीं पर मौजूद थे, और यहां से दोस्तों ये अकबर के दरबार में पहुंच गए थे। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल भी रीवा में ही स्थित है। प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात बहुटी जलप्रपात ये रीवा जिले में ही स्थित है। दोस्तों इसके अलावा केपटी जलप्रपात भी रीवा जिले में ही स्थित है। रीवा में त्योथर पुरातात्विक स्थल स्थित है, तो इतना आपको रीवा के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के विदिशा के अलावा किस जिले में देखने को मिलते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है दतिया। दतिया जिले में, दोस्तों मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं। अब बात आई है देवास की, तो दतिया की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दतिया के बारे में बता दें। दोस्तों राज्य की प्रथम नगर पालिका दतिया जिले में ही स्थापित की गई थी। दतिया का प्राचीन नाम दिलीप नगर है। मध्य प्रदेश कि जो पीताम्बरी देवी हैं दोस्तों वह दतिया में ही स्थित हैं। दतिया को लघु वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। माता टीला बांध, राजघाट परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना मध्य प्रदेश में दतिया जिले में ही बनाई जा रही हैं। दोस्तों सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल भी दतिया में ही स्थित है। भांडेर राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह भी दतिया में ही स्थित है। तो दोस्तों इतना आपको दतिया के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। सीधी जिले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है 2008 में। 2008 में सीधी जिले का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ग्वालियर। ग्वालियर जिले में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। दोस्तों आपको एक और इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। अब बात आई है ग्वालियर की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको ग्वालियर के बारे में बता दें। दोस्तों ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपचाल है। दोस्तों तानसेन का मकबरा, सास बहू का मंदिर, यह भी ग्वालियर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय और महालेखा की कार मुख्यालय भी ग्वालियर में ही स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा और तानसेन संगीत तोमर विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में ही स्थित है। एशिया का प्रथम शारीरिक परीक्षण महाविद्यालय जिसे 1957 में बनाया गया था, यह ग्वालियर में ही स्थित है। विजय राजे कृषि विश्वविद्यालय 2008 में ग्वालियर में ही स्थापित की गई थी। एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज, यह ग्वालियर में ही स्थित है। दोस्तों ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरसेन के द्वारा किया गया था, और इस किले को किलों का रत्न यानी जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सोनचिड़िया के संरक्षण के लिए घाटीगांव अभयारण्य ग्वालियर जिले में ही बनाया गया है। तो इतना आपको ग्वालियर के बारे में याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश प्रशस्ति से किस प्रसिद्ध नगर की सूचना मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन है दसपुर। दसपुर शहर की जो सूचना मिलती है वह मंदसौर प्रशस्ति के प्रसिद्ध नगर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के राज्य प्रतीक चिन्ह में कुल कितने रंग है? तो इसका सही ऑप्शन है 5 रंग है मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही ऑप्शन है उज्जैन में। उज्जैन जो वर्तमान जिला है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी स्थित थी। दोस्तों अब बात करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो इसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है मूक नायक पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के द्वारा मूक नायक पुस्तक लिखी गई है। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जो इंदौर जिले में है वहां पर हुआ था। हाल ही में मध्य प्रदेश के 7वें लोकायुक्त तो कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है एन के गुप्ता। एन के गुप्ता मध्य प्रदेश के 7वें लोकायुक्त तो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है शिप्रा। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है और जैसा कि आपको पता है दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में मध्य प्रदेश की किस महल में सिक्कों का इतिहास नामक प्रदर्शनी लगाई गई है? तो इसका सही ऑप्शन है गुजरी महल। गुजरी महल जो ग्वालियर में है यहाँ पर दोस्तों सिक्कों का इतिहास नामक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसमें पुराने सिक्कों को दिखाया जाएगा लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में नियोन रन फॉर डेमोक्रेसी रेस आयोजित की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है जबलपुर। जबलपुर में नियोन रन फॉर डेमोक्रेसी रेस आयोजित 2019 में की गई थी। 2019 में बजट घोषणा अनुसार किस जिले में विश्व स्तरीय आईटीआई बनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है उज्जैन। उज्जैन में 2019 के बजट के अनुसार विश्व स्तर का आईटीआई बनाया जाएगा। दोस्तों ये बजट मैं आम बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश का बजट है उसकी बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के बजट के अनुसार विश्व स्तरीय आईटीआई उज्जैन में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में 2019 में पेंशन में वृद्धि की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है उसमें वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग शाकाहारी हैं? इसका सही ऑप्शन है 50% लोग। 50% लोग मध्य प्रदेश में शाकाहारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही ऑप्शन है अरुण जैन। अरुण जैन को मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया है। मध्य प्रदेश के किस गांव का नाम बदलकर शिवधाम किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों दुर्जनपुर। दुर्जनपुर गांव का नाम बदलकर शिवधाम किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी यूनिवर्स। दोस्तों इसके अलावा आप हमारे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो इसको जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आप तक फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।